आप लोग महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राज्य के युवा पूछ रहे हैं कि आप लोग 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किए थे, नियुक्ति दे नहीं पा रहे हैं, नियुक्तियां छीनने लगी, बोल रहे हैं कि आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अयोग्य हैं और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे। प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को महंगाई लग रहा है तो स्टेट GST कम कर। 65,000 करोड़ हमारा कोयला का बाकी है, आप 65,000 दे दें, हम पेट्रोल तो पूरा शून्य कर देंगे, वे को पैसा नहीं लेंगे पेट्रोल का। सैकड़ों करोड़ मेला लगा करके कि सब जहां फैक्ट्री लगेगा, प्लांट लगेगा, फलना लगेगा, उन्होंने खर्चा किया पिछली सरकार के मुखिया ने। जिस कंसल्टेंट कंपनी के साथ मेला लगा था अर्नेस्ट इंडिया, उसी को तो आप लोग भी हायर कर लिए अधिक पैसे। वो बोल रहे हैं कि आप लोग कर कुछ नहीं रहे हैं, जनता को दिखाने के लिए सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा। बिल्कुल गलत बात। 13 महीने में 23.90 रुपया पेट्रोल में कौन बढ़ोतरी किया? स्मृति ईरानी आपको याद होगा भारत सरकार में एक मंत्री हुआ करती है, इतना नाचा था 2014 के पूर्व, उस नाचने वालों के देश के लोग खोज रहे हैं कि कहाँ चलेगी इतनी बढ़िया डांसर, जो सड़कों पे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस को टांग कर गर्दन में बैठा कर लेकर सर पे लेकर नाचा करते थे, कहाँ है वो? आपने जो एक्साइज ड्यूटी का बढ़ोतरी किया है, आप कल्पना कीजिए 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 22,00,000 करोड़ से अधिक धन का अर्जन सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल के जो टैक्सेस हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है, उससे सरकार ने अर्जित किया है। पेट्रोल डीजल की कीमत में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में पेट्रोल पंप के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि रामेश्वर उरांव हैं और रामेश्वर उरांव के साथ साथ कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पोस्टर बैनर लगाया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगा हुआ मकान, दाल महंगी, दवा महंगी, केवल सस्ता है जान, मोदी जी जवाब दो। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यह कांग्रेस का पहले से तय कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए हैं। रांची के बरियातू स्थित पेट्रोल पंप पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के साथ साथ प्रवक्ता आलोक दुबे, किशोरनाथ सहदेव, राजेश गुप्ता के साथ साथ कई नेता शामिल हैं और वो लगातार जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी बात केंद्र सरकार के कानों तक पहुँचाने में लगे हुए हैं, तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि रामेश्वर उरांव से बात करें और उनकी बात आप तक पहुँचाए। उन्होंने के माध्यम से ये करना चाहेंगे कि हम विरोध दर्ज कर रहे हैं भारत सरकार की पेट्रोल डीजल की मूल्य नीति के खिलाफ। ये मूल्य नीति ऐसे रखे हैं कि रोज रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज कुछ है, घर से चले थे तो 99.8 रुपये था, पेट्रोल पंप पर पहुँचे, पेट्रोल स्टेशन पर पहुँचे तो 5-1 रुपया बढ़ गया है, तो लाए थे 99.8 रुपये, अब आपको 108 रुपये देना पड़ेगा, है ना, 100 रुपये बढ़ गया। तो ये जो है दिन दिन जो बढ़ रहा है पेट्रोल और डीजल का दाम, लोगों को तकलीफ हो रही है, बोल नहीं पा रहे हैं लोग, कोरोना का समय 1.5 साल से है, बोल नहीं रहे हैं, सड़क पर उतर नहीं रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि लोग कठिनाइयों को महसूस नहीं कर रहे हैं, कठिनाई महसूस कांग्रेस की सरकार में भी बोला, तो तुलना तो किया, 14 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में 60 रुपये पेट्रोल था, 58 रुपये डीजल था, बढ़ते थे हम कहाँ करके नहीं बढ़ते थे। और तब उतना था जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल लगभग 140 से 145 डॉलर प्रति बैरल बिका करता था, तब हम बेचते थे अपने यहाँ इतना 58-60 रुपये में। आज कल अखबार में पढ़ा मैंने 72 ये डॉलर प्रति बैरल बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल लगभग, और तब आप 100 रुपये से पार करा दिए हैं। कहाँ कमर, क्या अर्थशास्त्र है, क्या किस अर्थशास्त्र को रखे हुए हैं, क्या अर्थशास्त्र, आपका अर्थशास्त्री लोग क्या कहते हैं आपको कि अच्छा कर रहे हैं, दाम घट रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जहाँ से आप मंगाते हैं वहाँ प्राइस घट गया और अब इसको बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान में। आज के दिन सबसे ज़्यादा मूल्य
पेट्रोल डीजल का पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में है, भारत में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को महंगाई लग रहा है तो स्टेट जीएसटी कम कर। वाह 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 वाह, भूख लगे तो पेट काट दीजिए। जीएसटी में सारा का सारा उनको पता है, उनका व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा मैं, व्यक्तिगत हम राजनीति करते ही नहीं कि व्यक्तिगत बोले। बीजेपी को समझना चाहिए, वो भी सरकार में थे, सरकार में आएंगे, आ सकते हैं भविष्य में। डेमोक्रेसी में एक पार्टी नहीं रहती है, आती है जाती है पार्टियां, सरकार बदलती रहती हैं। ये बताना चाहूँगा कि जीएसटी में 70% से अधिक आमदनी जो किसी राज्य की थी आमदनी, उसको आप सब्स्यूम कर लिए, समाहित कर लिए जीएसटी में, आप हमको ख़त्म कर दिए। हमारे पास बचा क्या है? ये तो भैट है, एक्साइज है और पेट्रोल डीजल है। हम कम लेते हैं, आप ले रहे हैं अभी 34-35 रुपया, हम लेते हैं 14 रुपये। इस दोनों में तुलना करके देखिए ना, हम लेते हैं, हम कहते हैं और जरूरी है। ये इतना जो खर्च हो रहा है स्वास्थ्य में, सब छोड़ दीजिए अभी स्वास्थ्य में भी, जो कोरोना के पीरियड में खर्चा हुआ, कहाँ से लाएंगे हम? हमारा इतना ही खरखाह बन रहे हैं भारत सरकार का, आप बीजेपी के साथी लोग। तो सरकार को कहिए 65,000 करोड़ हमारा कोयला का बाकी है। मुख्यमंत्री जी बराबर चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं दिल्ली जाते हैं तो इसको रखते हैं, अब 65,000 दे दीजिए हम पेट्रोल तो पूरा शून्य कर देंगे, हमें कोई पैसा नहीं लेंगे पेट्रोल का। जहाँ 65,000 मिल गया हमको, देखो पैसा नहीं लेंगे शायद। बोल रहे हैं कि आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अयोग्य हैं और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा। कितना काम किए थे पिछली सरकार, 5 साल तक रही, अस्थाई सरकार थी बोलते थे वो लोग कि अकेला अस्थाई सरकार है, 5 साल तक सरकार रही, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, क्या काम किया वो अपने से, वो सादा कागज ले और लिख के हम लोग को दे दे तो उसमें हम लोग दस्तखत कर देंगे, हाँ ठीक किए हैं। उनको कहिए, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, सादा कागज लिख करके प्यारे, उसमें लिख दो, सादा कागज लेकर के लिखो कि क्या क्या काम किए हो तुम, बस इतना ही तो कहना है। आप लोग को भी दें कॉपी, हमको भी दे दें, हम बता देंगे। मेला लगाते थे राज का पैसा, फिजूल खर्ची में बिता खर्च करते थे, सैकड़ों करोड़ मेला लगा करके कि सब जहां फैक्ट्री लगेगा, प्लांट लगेगा, फलना लगेगा, उन्होंने खर्चा किया पिछली सरकार के मुखिया ने। जिस कंसल्टेंट कंपनी के साथ मेला लगा था अर्नेस्ट इंडिया, उसी को तो आप लोग भी हायर कर लिए अधिक पैसे। ऐसा है कि पैसा अधिक और कम की बात नहीं है, काम कराने की बात है। हम क्रिटिसाइज नहीं कर पाते अगर सैकड़ों करोड़ खर्चा करके सचमुच में इस राज्य में फैक्ट्रियाँ बैठा पाते, लोगों को रोजगार मिलता, लोगों की आमदनी बढ़ती, आर्थिक गतिविधि बढ़ती, हम कहाँ बोल पाते। आप खर्चा किए और कुछ नहीं कर पाए, इस पर ना क्रिटिसिज्म है, इस पर आलोचना है कि पैसा खर्च किए आप, फिजूल खर्च ही हो गए। देखिए खर्च होता है अगर 10 रुपये खर्चा किए और 10 रुपये के बराबर भी आप उससे लाभ ले लिए तो बहुत बड़ा के ठीक है भाई, बराबर का हिसाब है, 10 रुपये खर्चा के 10 रुपये लाभ, 11 रुपये आपको लाभ ले लिए, 12 रुपये लिए, 13 रुपये, 14 रुपये ले लिए, तो आपको शाबाशी देगा कि 10 रुपये खर्च करके 15 रुपये कमाया ये। अब उस वो बतावे ना कॉस्ट कितना था और प्रॉफिट कितना हुआ, बेनिफिट कितना हुआ। ठीक है, आखिरी सवाल, आप लोग महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, राज्य के युवा पूछ रहे हैं कि आप लोग 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किए थे, नियुक्ति दे नहीं पा रहे हैं, नियुक्तियाँ छीनने लगी। ऐसा है, आपने ठीक प्रश्न किया, मैं बताना चाहूँगा युवा लोगों को, ये पिछली सरकार में इस तरह का नियमावली बनाया गया सरकार द्वारा कि उसमें अनेक त्रुटियाँ हैं। अब पिछले जब छठी JPSC का रिजल्ट निकला, ये सरकार पुराने सरकार का है, नियमावली उसी समय का, उसी समय में छेद हुआ, उसी में गड़बड़ी है, अब से चलते ये सब हो रहा है, हम उसको बदल दिए हैं, हम लोग बदल रहे हैं। अब नए परीक्षाएं जो होंगी JPSC के, संभवतः मैं उम्मीद करता हूं कि उस नियमावली के तहत अब इस तरह की त्रुटि नहीं रहेगी और इस तरह के रिजल्ट नहीं आएंगे। शुक्रिया, ये थे रामेश्वर उरांव और कई कांग्रेस के नेता हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे भी जाने कि आज इस तरह से, अब देखिए कि ठीक मेरे दाहिनी तरफ ये पेट्रोल पंप है,
और बाएं तरफ यहां पर वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव धरना पर बैठे हैं। प्रवक्ता आलोक दुबे इस वक्त बात करने के लिए हैं। आलोक जी, क्या लगता है कि सचमुच में कीमत में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि अब सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने की जरूरत है? देखिए लोगों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर लोगों का समर्थन नहीं होता तो लोग खड़े नहीं होते। लोग खड़े होकर देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन भी रहे हैं और एक तरह से कहें कि समर्थन भी दे रहे हैं। और यकीनन आसमान छू गया है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बराबर हो गई। डीजल और पेट्रोल में अंतर क्यों हुआ करता था? इसलिए हुआ करता था कि पूरी डीजल पर एग्रीकल्चर निर्भर करती थी, किसानों को गरीबों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए ये दूरियां थी। 2014 अप्रैल महीने में 3.58 रुपये मात्र एक्साइज टैक्स लिए जाते थे, आज कितने ले जाते हैं? 32 रुपये ले जाते, 32। अगर वो 14 वाले स्थिति में ला देंगे तो सीधे डीजल का कीमत लगभग जो है 28 रुपये कम हो जाएंगे, सीधे 28 रुपये। हमको 2014 वाला ही अगर दिन कोई ला देगा, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 10 रुपये तक बैरल गए हैं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें, 10 रुपये तक, और आज भी 70 रुपये से ज़्यादा नहीं है। लेकिन 2014 में जब 70 रुपये के नीचे हुआ करता था पेट्रोल और डीजल का कीमत, तो ये कोहराम मचाते थे सड़कों पर, साइकिल लेके, गैस लेकर के, रिक्शा और बैलगाड़ी चला करके। आज कहाँ छुपे हुए हैं? आज ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो स्टेट जीएसटी कम करके पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर सकती है। ये वो बोल रहे हैं कि आप लोग कर कुछ नहीं रहे हैं, जनता को दिखाने के लिए सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। 13 महीने में 23.90 रुपये पेट्रोल में कौन बढ़ोतरी किया? डीजल में 22 रुपये कौन बढ़ोतरी किया 13 महीने में? 13 महीने में आपने कभी सुना 73 वर्षों में कि लगातार 25 दिन से कीमतें हर दिन बढ़ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है देश के इतिहास में। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता भी इस धरने में शामिल हुए हैं। क्या सचमुच में लगता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि कोरोना के इस संकट में भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है? देखिए निश्चित तौर पर कोरोना चल रही है, मगर देखिएगा आपकी बहुत ही कम संख्या में, 7-8 लोग हैं। माननीय अध्यक्ष का आदेश था कि सारे पेट्रोल पंप में, राज्य के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उसमें 7-8-10 के ऊपर कोई नहीं जाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का, कोविड का जो गाइडलाइन है सरकार की, उसको पूरी तरीका से मानेंगे। उसी के तहत हम लोगों ने अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पूरे राज्य के हर एक पेट्रोल पंप पर, हमारे कार्यकर्ता है और अध्यक्ष जी खुद यहाँ पर घर के पास उनका जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर वो आए हुए हैं, और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि 2014 में माननीय मोदी जी ने क्या कहा था देश के लोगों के साथ, देश के नौजवानों के साथ, देश के महिलाओं के साथ। आज महिला, नौजवान और सारे जनमानस, देश के लोग परेशान हैं। आखिर क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमत कितनी गई? एक सवाल माननीय मोदी जी ने क्या कहा था? सब कुछ कम करेंगे, मगर ये तो इतिहास ही बना दिए, कहीं से कोई ब्रेक नहीं है। ऐसा गाड़ी में बैठ गई है देश की, कहाँ ले जा करके डालेगी उसका कोई अता पता नहीं है। तो पेट्रोल बहुत सारे प्रांतों में 100 के पार चले गए हैं, और यहाँ भी लगभग पहली बार हुआ कि डीजल और पेट्रोल एक साथ चल रहे हैं। ये बहुत डॉलर की डांस करते थे। स्मृति ईरानी आपको याद होगा भारत सरकार में एक मंत्री हुआ करती है, इतना नाचा था 2014 के पूर्व उस नाचने वालों के, देश के लोग खोज रहे हैं कि कहाँ चलेगी इतनी बढ़िया डांसर जो सड़कों पे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस को टांग कर गर्दन में बैठा कर लेकर सर पे लेकर नाचा करते थे, कहाँ है वो? ये देश जानना चाहती है, उनको स्मरण कराना चाहती है, और देश के लोगों से आदरणीय सोनिया गांधी ने उनका सहयोग समर्थन मांगा आज के दिन कि आप मेरे साथ खड़े हों, आपकी आवाज़ को इस बहरी, इस क्रूर प्रशासक के सामने आपको पहुँचाएंगे, और इस लड़ाई में देश का भला होगा, देश की जनमानस की भलाई, इसमें कोई राजनीति नहीं है। देखिए ये विरोध प्रदर्शन ये हमारे पार्टी की ओर से है, इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी जरूर कर रही है, लेकिन हमारी मंशा है कि देश के नागरिक, राज्य के नागरिक, शहर के नागरिक को जोड़ करके इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए, क्योंकि ये जनता के मूलभूत सुविधा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
और देश के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 रुपये के पार पेट्रोल और डीजल और दोनों का मूल्य एक समान। और ये क्यों? हमारी ये मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य के आधार पर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य तय हो, ये जरूरी है। लेकिन आपने जो एक्साइज ड्यूटी का बढ़ोतरी किया है, आप कल्पना कीजिए 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 22 लाख करोड़ से अधिक धन का अर्जन सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल के जो टैक्सेस हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है, उससे सरकार ने अर्जित किया है। तो कितना खून चूसने का काम केंद्र की मोदी सरकार आम जनता से कर रही है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। हमारा आंदोलन जो है, इसको हम लोग आज एक स्वरूप दिया है। हर पेट्रोल पंप में हम लोग कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मनसा हमारी दूर तक है, इरादा हमारा पक्का है कि हम केंद्र की सरकार को विवश करें कि वो जो अनैतिक जो एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस जो आम जनता पर डालने का काम कर रहा है, आप देखिए 1.5 महीना जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, एक दिन भी पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ा, और उसके बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल का दाम 25 पैसा 20 पैसा 50 पैसा करके बढ़ रहा है, और ये बढ़ते 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 100 के पार हो गया। रोज दिन धीरे धीरे दाम बढ़ाने का काम हो रहा है। तो सवाल उन भाजपा के नेताओं से भी है कि जो छाती पीट पीट के सड़कों पर रोते थे, वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको आके जवाब देना चाहिए। TheFollowUp.in Like, Share and Subscribe www.thefollowup.in